अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। केंद्रीय राजमार्ग कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं का मेरठ पहुंचकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने चिपियाना में रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इसके बाद डासना में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल रूम का लोकार्पण करने के बाद एक्सप्रेसवे से होते हुए काशी टोल प्लाजा पहुंचे। यहां ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर से टोल वसूली व कंट्रोल रूम का लोकार्पण कर सभी शुभारती विश्वविद्यालय स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। यहां उन्होंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। अब 25 दिसंबर से मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल अदायगी भी शुरू हो जाएगी। 90 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली से डासना तक 14 लेन और डासना से मेरठ तक 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। इसे बनने से दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी महज 45 मिनट में पूरी हो जाती है। इस मौके पर केंद्रीय राजमार्ग कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा। 27 किलोमीटर पैकेज 640 करोड़ का, यह सितंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। अभी बुढ़ला बाईपास निर्माण का काम 4000 करोड़ का काम है, इसका डीपीआर बन रहा है। और मुरादाबाद काशीपुर सड़क 42 किलोमीटर, इसका भी बन रहा है। काशीपुर बाईपास का निर्माण 13 किलोमीटर, नगीना काशीपुर सड़क निर्माण 63 किलोमीटर, 1550 करोड़ काम पूरा हुआ है। मेरठ से मुजफ्फरनगर सड़क निर्माण 78 किलोमीटर, 206 करोड़ काम पूरा हुआ है। और मेरठ से बुलंदशहर 4 लेन सड़क 161 किलोमीटर, 2180 करोड़, ये भी काम पूरा हुआ है। मेरठ निजामाबाद 4 लेन 54 किलोमीटर, ये 2400 करोड़ का काम है, ये 2023 तक ये निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। मेरठ नजीबाबाद 4 लेन ग्रिड पैड सड़क निर्माण, ये 40 किलोमीटर, 2000 करोड़ का काम है, इसका डीपीआर बन रहा है, जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। नजीबाबाद कोटावाद 2 लेन को शोल्डर 26 किलोमीटर, 180 करोड़, इसका भी डीपीआर बन रहा है, ये जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से इस काम में हमारे जो यहाँ के हमारे सांसद अग्रवाल जी, इनको विशेष रूप से इनका अभिनंदन करूंगा कि जब जब भी यहाँ के काम आए, हर बार लगातार उन्होंने मेरा पीछा किया है और उनके लगातार पीछे लगने के कारण आज ये काम हुए। सत्यपाल जी ने सही कहा था कि बागपत के रोड के बारे में इतनी निराश थे, आप मुझे कह रहे थे कि बागपत के रोड का अगर काम नहीं होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, और आज वो भी काम पूरा हुआ है और इस बात की भी मुझे बहुत बहुत खुशी है। एक्सप्रेस हाईवे है, आज हमने एक आईटीएस कंट्रोल रूम डासना में बनाई और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जिसके कारण रोड के एक्सीडेंट को भी कम करने में कामयाब होंगे। मैं और आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आज के दिन में विशेष रूप से जो मेरठ की परियोजना है, जिसके बारे में निश्चित रूप से हम लगातार काम कर रहे हैं और ये योजनाएं भी जल्दी पूरी होगी, ऐसा विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।